हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इजी ट्यूटोरियल्स। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक लोकल बिजनेस लिस्टिंग और लोकल बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। आप ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि मैं कैसा वेबसाइट बनाऊँगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक डेमो वेबसाइट बना के रखा है पहले से। तो ये एक हमारा बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है, बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस को ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप जो बिजनेस है अपने सिटी का बिजनेस डायरेक्टरी बनाएंगे तो सिटी में अपना सिटी का एड्रेस सर्च करके लोग उस बिजनेस को सर्च कर सकते हैं, और या फिर बिजनेस का नाम सर्च करके जैसे रेस्टोरेंट, कॉलेज ऐसे सर्च कर सकते हैं। और जिनको अपना बिजनेस ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करके वो ऐड कर सकते हैं। उसके लिए उनको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड लिस्टिंग, तो उनको साइन अप करना होगा और उसके बाद वो इस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करके अपना बिजनेस ऐड कर सकते हैं। तो कुछ बिजनेस यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने ऐड करके रखा है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेंगे वो। ठीक है, यहाँ पे ये बिजनेस मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए जो यूज़र अपना बिजनेस ऐड करेंगे उनका इस टाइप से यहाँ पे पहले ऊपर में एक इमेज आएगा, फिर उनका यहाँ पे बिजनेस का सारा डिटेल्स आएगा, नेम और सोशल प्रोफाइल्स, कॉन्टेक्ट नंबर, और यहाँ पे एक इंक्वायरी का बटन भी है। और यूज़र्स उनको रिव्यू भी दे सकते हैं कि बिजनेस कैसा है, क्या इसका सर्विस कैसा है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे इसका फ़ोटोज़, मैप, रिव्यू, रिलेटेड लिस्टिंग्स। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से सारे बिजनेस को लिस्ट किया जा सकता है, बिजनेस के सारे इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ कुछ सर्च करके, जैसे प्लेसेस में आप चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्लेस का नाम सर्च करेगा और उस प्लेस में जो भी है इस टाइप से उनको सारे रिजल्ट मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से बिजनेस हैं उस प्लेस पे। तो यही वेबसाइट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ बना के। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं इस वेबसाइट को अपने वर्डप्रेस पे बनाऊँगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना जानते होंगे, ये बिल्कुल ईजी है। अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं जानते तो भी आप आराम से सीख सकते हैं। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आसानी से कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो ये मेरा वर्डप्रेस, नॉर्मल सा वर्डप्रेस वेबसाइट है। जब आप एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो इस टाइप से आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए आप जस्ट टाइप करें अपना वेबसाइट नेम, उसके बाद wp-admin। ठीक है, तो ये लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद ये हम आ गए अपने डैशबोर्ड में। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपीयरेंस और उसके बाद थीम में। अब हमें यहाँ पे एक नया थीम ऐड करना है, तो क्लिक करेंगे हम ऐड न्यू थीम बटन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, जिसे इंस्टॉल करके आप डिफरेंट टाइप के वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमें एक डायरेक्टरी वेबसाइट बनाना है, तो हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च कर लेते हैं डायरेक्टरी। तो देखिए ये हमारे पास आ गया है। यहाँ पे थीम है एक सुप्रीम डायरेक्टरी और एक है डायरेक्टरी स्टार्टर। तो हमको ये इन दोनों थीम को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, डायरेक्टरी स्टार्टर को। यहाँ पे जस्ट स्टार्ट इंस्टॉल बटन पे क्लिक करें और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थीम हमारा इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हम एक ये थीम भी इंस्टॉल कर लेते हैं सुप्रीम डायरेक्टरी को। हम
मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको और भी बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स जिससे और अपने वेबसाइट में और भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थीम भी हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हमें इस सुप्रीम डायरेक्टरी को सिर्फ एक्टिवेट करना है, इसको एक्टिवेट नहीं करना। इस पर एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं, सुप्रीम डायरेक्टरी पे। तो देखिए ये हमारा थीम एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पे हमारा मैसेज आया है न्यू थीम एक्टिवेटेड विजिट साइट। तो इस विजिट साइट पे क्लिक करके देख लें आप अपना साइट अभी कैसा दिख रहा है। तो अभी हमारा साइट ऐसे कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से इसको बनाते हैं। यहाँ पे ऊपर एक और मैसेज आ रहा है, दिस थीम वाज डिजाइन टू वर्क विद द जियो डायरेक्टरी प्लग इन, क्लिक हेयर टू इंस्टॉल। यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है, तो क्लिक हेयर टू इंस्टॉल, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा एक प्लगइन इंस्टॉल करेगा। ये जियो डायरेक्टरी प्लगइन है। ये हो गया, इसको बस एक्टिवेट प्लगइन बटन यहाँ पे है, इसको क्लिक कर दें तो ये प्लगइन भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं जियो डायरेक्टरी, इस पर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर एक मैसेज देख रहे हैं, गूगल मैप एपीआई की नॉट सेट, क्लिक हेयर टू सेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करते हैं तो हमको अपना गूगल मैप एपीआई सेट करना है। ये बॉक्स दिख रहा है आपको जिसमें आपको एपीआई की डालना है। ठीक है, तो इसके नीचे एक मैसेज दिया है, दिस रिक्वायर्स गूगल मैप, यू कैन गेट की फ्रॉम हेयर। ठीक है, यहाँ पे भी एक लिंक है की जनरेट करने के लिए, तो इस लिंक को ओपन करें। ठीक है, इस लिंक को, मेरा जीमेल लॉगिन है तो लॉगिन हो गया। अगर लॉगिन नहीं होगा तो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लें। इसमें कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रिएट एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। बस ये हमारा गूगल मैप एपीआई की जनरेट हो गया है। जस्ट आप इसको कॉपी कर लें यहाँ से। ठीक है, कॉपी करके इसे वापस इस बॉक्स में पेस्ट करके और नीचे आके इसको सेव कर दें। यहाँ पे सेव चेंजेस का बटन है, इस पर क्लिक करें और सेव हो जाएगा। तो हमारा गूगल मैप एपीआई के सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अपना एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेट करना है। इसके लिए यहाँ पे भी लिंक आ रहा है, क्लिक हेयर टू सेट डिफॉल्ट लोकेशन, तो क्लिक हेयर और लोकेशन आप डाल दें जिस सिटी के लिए आप ये डायरेक्टरी बना रहे हैं, ये डायरेक्टरी वेबसाइट जिस सिटी के लिए बना रहे हैं वो लोकेशन डाल दें यहाँ पे। ठीक है, स्टेट डाल दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और यहाँ पे फिर आके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। तो हमारा डिफॉल्ट लोकेशन भी सेट हो गया। अब यहाँ पे चले आप सेटिंग्स और परमालिंक्स, सेटिंग के अंदर परमालिंक्स, यहाँ जाके पोस्ट नेम में ये इसको सेलेक्ट करके और सेव कर दें। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं वापस से यहाँ पे जियो डायरेक्टरी में। ठीक है, और अब हम अपने साइट पे कुछ डेमो डेटा इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जैसे इसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे, आप देख रहे हैं डमी डमी डेटा का एक टैब है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं
और यहाँ पे इंसर्ट डेटा, इस इंसर्ट डेटा बटन पे क्लिक करें तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ लिस्ट इंस्टॉल करेंगे, बिजनेस लिस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है आपके इंटरनेट स्पीड के अनुसार से। तो अब हमारा डमी डेटा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो इससे हमारा कुछ यहाँ पे बिजनेस का लिस्ट क्रिएट हो जाएगा और हमारे पास प्लेसेस के कैटेगरीज क्रिएट हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब प्लेसेस हमारा क्रिएट हो गया है बिजनेस, और ये प्लेसेस का कैटेगरी यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे चले पेजेस, नहीं इसके पहले हम ये सेट कर लेते हैं, यहाँ पे सेटिंग में चल के ये करते हैं रीडिंग्स। ठीक है, और यहाँ जाके आप सेलेक्ट कर लें स्टैटिक पेज, और स्टैटिक पेज में जाके आप देखेंगे यहाँ पे एक जीडी होम पेज ये आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर दें। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके और इस पेज को सेव कर दें, सेव चेंजेस पे क्लिक करके। अब हम चल के अपना वेबसाइट रीलोड करके देखते हैं वापस से। तो आप देख सकते हैं हमारा साइट बिल्कुल चेंज हो चुका है, यहाँ पे हमारा एक सर्च बॉक्स आ गया है, कैटेगरीज, नीचे मैप, और उसके बाद हमारे पास जो हमारा जो पॉपुलर बिजनेस लिस्ट है यहाँ पे वो आ रहा है। ठीक है, अब हमको इसको चेंज करना है, अपना वेबसाइट का जो टाइटल है ये बैनर इमेज पे, इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे चलेंगे पेजेस, और देखते हैं यहाँ पे जीडी होम पेज, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करके इसका आप पेज का नाम चेंज कर दे जो आप वहाँ पे लिखना चाहते हैं अपने फ्रंट पेज पे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्सप्लोर योर सिटी, और यहाँ पे बस अपडेट पे क्लिक कर दें नाम चेंज करके, और हो गया। आप इसको रिफ्रेश करके देखें, ठीक है चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना लोगो अपलोड करेंगे और यहाँ पे अपना मेन्यू क्रिएट करेंगे, हेडर मेन्यू। इसके लिए चलते हैं वापस से डैशबोर्ड में और अपीयरेंस, और यहाँ पे कस्टमाइज, कस्टमाइज पे जाके यहाँ पे चलते हैं कस्टमाइज में हेडर, और हेडर के अंदर ये लोगो। ठीक है, तो ये लोगो में जाके अपना एक लोगो यहाँ पे अपलोड कर दें, मैंने अब पहले से लोगो बना के रखा है। ठीक है, उसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, इसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड पब्लिश बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे लोगो अपडेट हो गया। अब हमें इसका हेडर मेन्यू क्रिएट करना है। हेडर मेन्यू क्रिएट करने के लिए चलेंगे यहाँ पे अपीयरेंस और मेन्यू, सबसे पहले यहाँ पे आप एक मेन्यू का नाम रख लें, जैसे मेन मेन्यू, और नाम देके यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करें, क्रिएट मेनू पे। अब इसमें आप क्या क्या लिंक ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ऐड लिस्टिंग का ऐड करना चाहता हूँ मैं, लोकेशन। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करके ऐड टू मेनू पे क्लिक कर दें तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और भी पेजेस आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेज क्रिएट करके, जैसे इन्फो पेज, उसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके इधर ऐड कर सकते हैं।
और आप कुछ हेडर में कस्टम लिंक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं कस्टम लिंक्स। ठीक है, तो मैं एक लिंक और ऐड करूँगा। यहाँ पे चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, वेबसाइट नेम स्लैश प्लेसेस। तो ये लिंक मैं अपने हेडर मेनू में ऐड करूँगा, तो इसके लिए इस लिंक यहाँ पे पेस्ट कर लें और टाइटल दे दें यहाँ पे, लिंक टाइटल टेक्स्ट। ऐड टू मेन्यू, ठीक है, ऐसे ऐड हो जाएगा। इसको अरेंज कर सकते हैं आप ऑर्डर, कौन पहले और कौन नीचे आएगा। ऐड लिस्टिंग को मैं इधर रखता हूँ नीचे, और उसके बाद नीचे आके इस पर सेलेक्ट कर दें प्राइमरी मेन्यू पे, ठीक है, इसको टिक करके और बस सेव मेन्यू पे क्लिक कर दें। तो ये सेव हो जाएगा और हमारा मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा हेडर मेन्यू। रिफ्रेश करके देखते हैं अपना साइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हेडर मेन्यू भी आ गया है। यहाँ पे आपको माय अकाउंट दिखा रहा है, अगर आप लॉग आउट रहेंगे तो न्यू यूजर को यहाँ पे लॉग इन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाएगा। और यहाँ पे ये ऐड लिस्टिंग है, देखते हैं ऐड लिस्टिंग में क्लिक करके। ठीक है, इस टाइप से कोई यूजर अकाउंट क्रिएट करेगा और ऐड लिस्टिंग में जाएगा तो वो अपना बिजनेस यहाँ से ऐड कर सकता है। सारा इन्फॉर्मेशन फिल करके और नीचे सबमिट कर देगा। और ये सब कैटेगरीज को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड में जाके, प्लेसेस प्लेसेस कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं इसको, नेम प्लेसेस का, इमेज भी, कैटेगरीज का। तो ये हमारा वेबसाइट बना बन गया है पर्टिकुलर सिटी के लिए, किसी एक सिटी के लिए। अगर आप ये वेबसाइट चाहते हैं कि लोग किसी भी सिटी से इस पर अपना बिजनेस लिस्ट करें, मल्टीपल सिटीज़ के लिए आप बनाना चाहते हैं इसको, ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे जियो डायरेक्ट्री। यहाँ पे एक्सटेंडेड जियो डायरेक्ट्री पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ चल के आप देखते हैं यहाँ पे डाउनलोड बाय एडऑन्स। ठीक है, बाय एडऑन्स पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्लगइन्स है जिसको यूज करके आप और भी फीचर्स अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिजनेस क्लेम करने का, लोग बिजनेस के साथ इवेंट भी ऐड कर सकते हैं ये प्लगइन आप ऐड कर लेंगे। बट ये सारे प्लगइन्स आपके पेड हैं, इनके लिए आपको खरीदना पड़ेगा $39 में। ठीक है, तो ये सब फीचर अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपने वेबसाइट को मल्टीपल लोकेशन के लिए बनाना चाहते हैं, तो ये लोकेशन मैनेजर प्लगइन है, इसको आप इंस्टॉल कर लें यहाँ से डाउनलोड करके, खरीद के। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन लगाना चाहते हैं आप, जैसे कि प्रीमियम लिस्टिंग, लोग लिस्टिंग करने के लिए पे करें आपको, तो उसके लिए आप ये पेमेंट मैनेजर लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आप और भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं इन सब प्लगइन को यूज करके। तो ये हमारा वेबसाइट पूरी तरह तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।